बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत हेल्दी डिश, क्रीमी मेथी चिकन। मेथी आपको पता है हेल्थ वाइज बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उनमें लिए मैंने हाफ के जी चिकन, उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। पीस मैंने छोटे छोटे लिए हैं, इसकी जो चिकन की पीसीस जो हैं बहुत बड़े मैंने इसलिए नहीं लिए। हाफ के जी मेथी है कटी हुई और वॉश की हुई, यानी जो मेरे सामने पड़ी है आपको नज़र आ रही है आधा किलो है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया है। नेक्स्ट जो स्पाइसेस हैं वो मैं बताती हूँ मैंने कौन कौन से लिए हैं। बहुत ही रेगुलर से स्पाइसेस मैंने लिए हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। 1 टीस्पून नमक, रेड चिली रेगुलर भी मैंने ली है 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून में ली है पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून लिया है सफ़ेद जीरा भुना हुआ, 3 मैंने ली है गोल वाली सूखी रेड मिर्च, लहसुन अदरक की मैंने पेस्ट ले ली है 1 टीस्पून अदरक की है और 1 टीस्पून लहसुन ले लिया है मैंने मोटा मोटा कुटा हुआ, या सब मिले आपने पेस्ट लेनी है पेस्ट ले सकते हैं। क्रीम मैंने ली है फ्रेश क्रीम है जो घर के दूध की भसे बलाई उतरती है, तकरीबन ये मेरी 3 टेबलस्पून बनती है। अगर आपके पास घर में नहीं है आप बाजार की भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून लिए है मैंने टमाटो प्यूरी के, इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो ऊपर इसका लिंक आएगा आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं अपना प्याज फ्राई करते हैं। तेली कुकिंग ऑयल मेरा ऑलरेडी पहले से ही गर्म है, इसमें मैं डालूंगी जीरा और सुर्ख मिर्च, हल्का सा इन्हें मैंने इसमें कड़कड़ाना है, हल्की सी जीरे की खुशबू आएगी, फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, और लास्ट में जो बेल आइकन है उसे जरूर आप क्लिक किया करें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिला करे। जीरे की खुशबू आने लग गई है, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज डाल के इसे मैं अच्छे से फ्राई करना है हमने, कि प्याज का कलर लाइट पिंक सा हो जाए, हमें डार्क नहीं करना और प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। प्याज मेरा फ्राई हो गया और सॉफ्ट हो गया, अब मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको ओनली 30 से 40 सेकेंड के लिए हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्की सी खुशबू आ जाएगी। तो फिर हम इसमें चिकन शामिल करते हैं, चिकन के पीसीस इन्हें भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे। आलू मेथी तो हर कोई बनाता है, अब चिकन में या मटन या बीफ जिसमें आपको इजी लगता है आप बनाइएगा, आपको बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। टेस्ट आलू के साथ भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन अब मटन या चिकन या बीफ के साथ बनाएंगे तो आपको चिकन उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तमाम स्पाइसेस और टमाटो प्यूरी, अगर तो प्यूरी नहीं है तो आप चाहें तो 2 टमाटर लेके उनकी अच्छी सी पेस्ट बना लें, उन्हें ग्राइंड कर लें आप जी। इसको मिक्स कर लें हल्का सा, थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं ये कोई 1 मिनट के लिए। मैं डालूंगी चिकन को गलाने के लिए तकरीबन 1/4 कप पानी, या 1/4 ग्लास कह लें 1/4 कप कह लें पानी डाल के इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूंगी, थोड़ा सा चिकन हमारा गल जाए। उसके बाद हम इसमें मेथी डालेंगे, चिकन को अभी हमने फुल कुक नहीं करना, तो थोड़ा सा ही हमने इसको कुक करना है अभी फिलहाल। जी ये देखिए माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब मैं डालूंगी इसमें मेथी। सारी इसमें मेथी शामिल कर देंगे, मेथी को आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है, बिल्कुल भी इसमें मट्टी नहीं रह जाए। अब कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मेथी को हमने तमाम मसाले और चिकन में अच्छे से भूनना है बगैर कवर लगाए हुए, कवर नहीं इसको ढांपना नहीं है। अक्सर प्रॉब्लम मेजोरिटी को यही है कि मेथी हमारी हल्की सी कड़वी रह जाती है, आलू में बनाएं या गोश्त में बनाएं वो इसलिए कड़वी रहती है कि इसको हम अच्छे से बिल्कुल नहीं भूनते, हम सिंपल मेथी डाल के ना इसको कवर कर देते हैं। नहीं, आपने पहले इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, उसके बाद आपने इसको कवर करना है। देखिएगा बिल्कुल भी आपको करवाहट में महसूस नहीं होगी। मेथी डालने के 2 मिनट्स के बाद ये इसकी लुक आ गई है, मेथी ने अपना थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, इसी में ये पकेगी, हमने इसमें किसी भी किस्म का एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। अब मैं इसे कवर कर दूंगी 15 मिनट्स के लिए ताकि इसी में मेथी हमारी पक भी जाए और इसमें ऑयल आ जाए। देखिए मज़ेदार सा हमारा मेथी चिकन रेडी हो गया है। अब फ्लेम मैं कर दूंगी बिल्कुल लो से भी बिल्कुल ड्रॉप्स पे, ठीक है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी क्रीम। क्रीम डालते वक्त आपको फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, हाई पे नहीं हो।
से मिक्स करूंगी। कुछ सेकंड के लिए बस क्रीम डाल के हमने फ्लेम को ऑन रखना है, उसके बाद फ्लेम मैं कर दूंगी ऑफ, क्योंकि क्रीम डाल के बहुत ज़्यादा देर के लिए फ्लेम को ऑन नहीं रखते। बहुत क्रीमी टेक्सचर वाली देखिए हमारी मेथी चिकन रेडी हो गई है, जूसी जूसी सी है, बहुत ज़्यादा ड्राई हमारी नहीं बनी। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको मैं कवर करूंगी मीडियम लो फ्लेम पे, उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ करके इसको डिश आउट करती हूँ। फ्लेम मैंने कर दिया ऑफ, थोड़ी सी कटी हुई ग्रीन चिलीज मैं डालूंगी इसमें, हल्का सा बस इसे हम मिक्स करते हैं और अब इसको मैं ना डिश आउट कर देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट वाला क्रीमी सा हमारा मेथी चिकन रेडी है, बनाइएगा और अपने लंच को हेल्दी बनाइएगा। और मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपकी कैसी बनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी लेके ज़रूर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।